उगोनिया आई। माइटोसिस किया एंड डिफरेंशिएट भी किया, डिफरेंशिएशन भी किया, ठीक है जी। एनसीईआरटी वाला है, ढंग से समझना। तो क्या बना? प्राइमरी ऊसाइट बना, ठीक है जी। अब प्राइमरी ऊसाइट में मियोसिस वन शुरू तो हुआ, बट क्या हुआ? अरेस्टेड एट डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज वन, ठीक है जी। बनाना बेटा ये डायग्राम, पहले समझ लो, मैं टाइम दे दूंगी। अब मियोसिस वन, ठीक है जी। अब क्या हुआ बेटा? बर्थ भी हो गया बच्ची का, बचपन भी आ गया और प्यूबर्टी भी आ गई, ठीक है जी। अब मियोस, जब प्यूबर्टी आई, मेंस्ट्रुअल साइकिल इनिशिएट हुआ, मेनार्क हुआ, तो मियोसिस वन कंप्लीट हुआ, ठीक है जी। ये तो बना ली तुसी पोलर बॉडी और ये बना लिया सेकेंडरी ऊसाइट, ठीक है जी। अब इसने मियोसिस टू शुरू तो किया सेकेंडरी ऊसाइट ने, लेकिन फिर अटक गया, अरेस्टेड या कह लो सस्पेंडेड एट मेटाफेज टू, है ना जी। ये अटक गया। अब इसकी किस पे डिपेंडेंसी है? ओवम बोल लो इसको, भले से है तो ये प्रॉपर सेकेंडरी ऊसाइट ही। इसकी डिपेंडेंसी किस पे है बेटा? स्पर्म में। अगर स्पर्म आ गया, दिस इज स्पर्म, फिर इसका मियोसिस टू कंप्लीट होता है, ठीक है जी। मियोसिस टू कंप्लीट होता है, ठीक है जी। तो ये एक तुसी पोलर बॉडी और ये इतना बड़ा सेल, ये तो सेकंड पोलर बॉडी कह दिया, जो कि डीजनरेट हो जाएगी। और ये एग कह लो या ओवा कह लो, इसकी हेप्लॉइडी लेवल एल है। तो हेप्लॉइड लेवल सेकेंडरी ओसाइट से शुरू होता है। बेटा किसी को यहां तक कोई दिक्कत? यस मेरे बच्चों, बताओ। जो हमने पढ़ा पूरा रख दिया,